हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपने पीसी पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो भी बगैर किसी डिले और बगैर किसी लैग के, जिसके लिए सिर्फ आपको एक यूएसबी डाटा केबल रिक्वायर्ड है। तो बगैर किसी फर्दर डिले के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने गिटहब की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, और इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ से आपने स्क्रीन स्पायर डाउनलोड करना है। तो सबसे नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपको विंडोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली विंडोज़ के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड लेटेस्ट रिलीज़ कर लें, और देख लें अभी लेटेस्ट रिलीज़ आया है 2.4, तो इस पर क्लिक करें। चाहिए आपका डाउनलोड हो जाए तो आप इसको ओपन फोल्डर करें और एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट आपका है, स्क्रीन कॉपी 2.4 जो है आपका आ गया है। इसके बाद एंड्रॉयड एसडीके ड्राइवर करें, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टूल्स फॉर विंडोज़ करें और जाकर नीचे से जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो है सेलेक्ट करें, और जो है डाउनलोड कर लें अपने एसडीके ड्राइवर, और इनको भी जो है अनजिप कर जो है इसे इंस्टॉल कर लें अपने एबीडी ड्राइवर्स और एक्सट्रैक्ट ऑल, और इनको भी हम जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये हमारे पास खुल गए हैं एक्सट्रैक्ट, और इनको जो है आप सिंपली ओपन करें और आपके एबीडी जो ड्राइवर हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसके बाद अपने फ़ोन पर आ जाएं। तो अब इन दोनों चीज़ों के बाद अब आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर यूएसबी डीबगिंग टर्न ऑन करना है। तो देखते हैं अपने फ़ोन पे यूएसबी डीबगिंग मोड कैसे टर्न ऑन करना है। यूएसबी डीबगिंग मोड टर्न ऑन करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाएँ, और सबसे एंड पे आपको मिलेगा ऑप्शन अबाउट फ़ोन का। मेरे फ़ोन पर ऑलरेडी यूएसबी डिबगिंग मोड टर्न ऑन है, तो जिनके पास यूएसबी डिबगिंग मोड टर्न ऑन नहीं है उनका लास्ट ऑप्शन होगा अबाउट फोन। तो आपने चले जाना है अबाउट फोन में, और यहाँ पर आपने चले जाना है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में। यहाँ पर आपको मिलेगा एक बिल्ड नंबर का ऑप्शन, इस पर आपने 5 दफ़ा या मे बी 6-7 दफ़ा आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, नो नीड डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी बीन एनेबल्ड। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो आपका यूएसबी डिबगिंग आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद आपने बैक करना है, और बैक करने के बाद आपने चले जाना है डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे आपको मिलेगा यूएसबी डिबगिंग मोड, और इस यूएसबी डिबगिंग मोड को भी आपको टर्न ऑन करना है। जैसे ये है, तो आपका यूएसबी डिबगिंग मोड टर्न ऑन हो चुका है। अब अपने फ़ोन को हम कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना फ़ोन अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया है यूएसबी की मदद से। अब मैं स्क्रीन कॉपी डॉट एक्सेस की फ़ाइल ओपन करता हूं, और ये मेरा फ़ोन मेरे पीसी के साथ कनेक्ट हो चुका है, और मैं इसे अब अपने पीसी से माउस की मदद से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस पे किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इवन के अगर आपने पबजी वगैरह भी खेलनी है तो बग़ैर किसी लैग के आप इसे ऑनलाइन स्ट्रीम भी कर सकते हैं। फुल कंट्रोल।